किंग खान को देखो ना कैसे बैठा हुआ है। वाह सुपर यार, अमेजिंग। इसी लुक पे यार What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू नो आई एम हमजा मुकद्दस। तो जनाब, हाउ इज़ गोइंग यूर लाइफ? सो आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही फैंटास्टिक प्लेस पे लेके जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। जिसने क्लिक किया तो वीडियो को देखे। जी जनाब, तो मैं आपको पेशावर ज़ू लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो पेशावर ज़ू को लेके जाने वाला हूँ और मैं आपको डिटेल भी बताऊँगी कि पेशावर ज़ू आपने आना कैसा है। भाई अभी मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसे पलोसा रोड भी बोलते हैं, पलोसा रोड बोलते हैं। और पेशावर ज़ू कहाँ पर है जनाब? ये मेरे बैक साइड पर पेशावर यूनिवर्सिटी, सिंपल सा रास्ता है। पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टाफ पे आपने उतर जाना है। ठीक है, उतरने के बाद आपने इस तरह काम करना है, आपने किसी से भी पूछ लेना है कि भाई पेशावर ज़ू की तरफ जाना है। आपको ये पलोसा का रोड दिखा देंगे और सीधा आपने आना है। कार्स वगैरह भी आती हैं, अगर आपके पास अपनी है तो प्लस पॉइंट, नहीं तो आप कार भी रह सकें। तो मैं अभी आपको पूरा टूर कराऊंगा पेशावर ज़ू का। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहिए। तो जनाब हम पहुँच ही हैं, बस थोड़ा रास्ता है। ठीक है, मैं और आज ट्यूज़डे का दिन है, शायद कि आज रश भी ना हो। अगर रश ना हो तो अच्छी बात है, क्यों हमें काफ़ी ज़्यादा लोग आउट ऑफ सिटी ज़्यादा लोग आते हैं। तो बस मैं भी पहुँचने वाला हूँ, वो सामने है जनाब वो, तो मेरे साथ रहिए भाई, आपने कहीं जाना नहीं। तो जनाब ये सामने पेशावर ज़ू। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पर ही कर सकते हैं, और कार्स की भी पार्किंग है। ठीक है, तो अभी हम अंदर जाएंगे, तो मेरे साथ। तो जनाब यहाँ से हमने हो जाना है इंटर, फर्स्ट गेट इधर, ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वगैरह कर लेगा, तो इधर से हमने इंटर हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बैग यहाँ चेक कराते हैं भैया ने, चेक कर लें। बेटा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है भैया, किताबें हैं। अच्छा, शुक्रिया जी। बैग चेक करना ज़रूरी है ना, तो इन लोगों ने मेरा बैग चेक किया, क्योंकि क्या पता कोई भी हो सकता है। तो बैग में मेरे क्या है, जस्ट किताबें थी। तो जनाब इस तरह गोल गोल जाएंगे। ठीक है, टिकट लेने के लिए, और इस तरह 60 साल तक 40। ठीक है, अरबी में आपको बताने वाला हूँ, मैं ये नीचे वाला लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट वीज़ा जो है ना, ये है इसमें वीज़ा क्यों बोलता हूँ टिकट को, मैं अभी आपको बताता हूँ किसके पीछे रिजल्ट क्या है। यहाँ से आपने टिकट। तो जनाब ये मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना कार्ड शो कराएं, तो मैं देखें। कार्ड एक्सपायर शो है, देख किस क्यों बोल रहा है। जनाब ये हम इंटर हो गए हैं। ठीक है, पेशावर। एक्चुअली मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था, लेकिन वो मेरा 40 और 20 रुपीज़, मतलब तालिबात के लिए 20 और वैसे ही 40 रुपये का टिकट। ये हम पेशावर ज़ू में इंटर हो गए। ठीक है, इस गेट से हम इन आ गए। अभी हम ये घूमेंगे पेशावर ज़ू, आपको सारा आप दिखाएंगे पेशावर ज़ू के। भाई पेशावर ज़ू काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है, और आप लोगों ने भी जो है ना अपनी राय शेयर करनी है कि भाई पेशावर ज़ू कैसा है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ सर का कार्ड मैंने बनाया था, फिर मैंने बनाया नहीं, तो वो मुझे बोल रहा है भाई आपका कार्ड एक्सपायर है। तो एक्सपायर होने की वजह से मैंने फिर 40 वाला टिकट लिया। यहाँ पर कितना अच्छा सिस्टम है। ठीक है, अगर आप बच्चों के साथ घूमने, ठीक है, इस गाड़ी में, कार में, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये देखिए फैमिलीज के साथ काफ़ी लोग आए हैं। तो जनाब आज रश काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि संडे का दिन भी नहीं है ना, इसी वजह से, और तकरीबन दोपहर का टाइम है। ये एक छोटा सा पार्क भी इसमें बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चे वगैरह आए, भाई झूले वगैरह, वो देखे झूला, वो साथ में बड़े भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये देखते मोर है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए भाई, तो मैं अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स भी लेने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले टूर करा दूँ थोड़ा बहुत ना, फिर कहेंगे हमजा डायरी की सिनेमेटिक शॉट्स में भाग गया, लेकिन टूर करा देता हूँ आपको पहले। ठीक है, ये सारा मोर्स का एरिया है। पेशावर ज़ू जो है ना,
कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ू बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं भी आपको हर एक जगह पर विज़िट कराऊंगा। वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट कर दूँ ना, तो अच्छी बात है। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. तो देखिए जनाब, कितना तो बड़ा पिंजरा इन लोगों ने इसके लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मोर्स और साथ में दो इस साइड पे जो है ना, शायद लाइंस और उसके साथ दो तीन चीज़ें और भी हैं, मुझे अभी याद नहीं। मैं आज से तकरीबन 2-3 साल पहले आया था, जब मैं कॉलेज में था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था, दोस्तों के साथ आया था। ये देखिए ये पार्क, कितने प्यारे रास्ते। उस टाइम ये रास्ता इतना नहीं बना था, ये देख फैंटास्टिक व्यू दे रहा है ये, ठीक है। उस टाइम ये रास्ते इतने नहीं बने थे, लेकिन अभी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, अच्छे से गार्डन बनाए हैं। ये देखें आप, देखें भाई ये किताब अगर किसने रीड करनी है भाई, करते वो यार पेंच तो ये चेंज नहीं होता, मजाक कर रहा था, ये पेंच चेंज नहीं होता, जस्ट यही लगे हुए हैं एनिमल्स के नेम वगैरह, ठीक है। और ये देखें, ये भी एक फैमिली के साथ हैं, या किसी अगर फैमिली के साथ है तो भाई आप यहाँ अच्छे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब जाते हैं इस साइड पे, कि इस साइड पे क्या है। इस साइड पे मुझे लगता है मैं आया था काफ़ी टाइम पहले, वो लाइंस वगैरह उस साइड पे, साथ में मंकी भी है, देखते हैं क्या सीन बनते हैं। क्यों वो बंदा मुझे ऐसा देख रहा था जैसे कि मैंने किसी को मार डाला हो, यार वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भी पता नहीं ये खाली है, ये क्या है यार, देखते हैं। बेचारे मौसम भी इस तरह है कि जानवर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे, सर्दी की वजह से लगते हैं कंबल में अच्छा रेस्ट कर रहे होंगे। तो ये आ गए हम टाइगर की तरफ, देखते हैं ना टाइगर है भी या नहीं। आज मैंने जनाब आपको पूरा घुमा देना है, ठीक है। यहाँ पर वाह यार, ये देखे जनाब, इसका इतना बड़ा मुँह, माशाल्लाह, अल्लाह इसको ऐसे ही ज़िंदा रखे। भाई स्कूल हम जाते हैं, यूनिवर्सिटी हम जाते हैं, काम हम लोग करते हैं, और टाइड ये टाइगर लोग, ये बंगाली टाइगर लाए हैं, बेचारे किसी काम के नहीं, ये सो रहे हैं, कब से सो रहे हैं। अच्छा ये मैं जिस टाइम आया था ना, तो मतलब 3-4 साल पहले की बात है, तो उस टाइम ये जगह इन लोगों ने नहीं बनाई थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा सिटिंग की है इन लोगों ने, तो अभी अच्छा है, बंदा आए आराम से रेस्ट करे, खाना पीना हो भाई। तो आइए ये देखते हैं, बर्ड्स की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। बर्ड्स की तरफ जाते हैं हमजा, बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे शोर वगैरह तो कर रहे हैं यार, बट क्लिप वगैरह इसलिए नहीं ले सकते, पिंजरे में बंद है तो वो सही से आते भी नहीं। हाँ क्या ले Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta bhai sahi cheez ye hai, acha ye dekhen, acha wow, kidhar gaya, it's look amazing, super wow, comment kare janab aap log bhi, acha हाँ जनाब आ जाओ इस साइड पे आओ, हमने आपके लिए आज खाना किया है, आ जाओ आ जाओ, दावत है भाई। बंदे बेचारा गुस्से के मारे, देखे ना क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है इसकी वाइफ नहीं है, गुम हो गई है बेचारा, गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा। देखिए कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर वॉक कर रहे हैं। चलो भाई लगे रहो लगे रहो, हमें और भी काम है, अच्छा ठीक है ना। तो जनाब चीता जनाब यहाँ पर है, मैंने आपको शो करा दिया, वो बेचारा भूख के मारे लगते हैं। ओहो जनाब ये हिदायत पढ़ लें, ठीक है, जानवर को ना तंग करें, पत्थर ना मारें, लेकिन फिर भी लोग क्या क्या करते हैं। अभी लोगों को तो हम नहीं समझा सकते भाई, पत्थर ना मारे, वो जानवर है, आप तो इंसान है ना। यहाँ स्टार्ट में लोग पत्थर वगैरह मारते थे, तो इसी वजह से उन लोगों ने अभी ये जो है ना इस तरह के जगह हर जगह पर जो है ना पोस्टर लगाए हुए। अभी यहाँ जाते हैं, लाइन हुआ है, बेचारा बैठा हुआ है अच्छी खासी सोच में,
अभी लाइन का व्यू लेते हैं कि क्या कहता है वो। हाँ किंग, देखना भाई किंग का अपना ही एक अंदाज़ होता है, चेक करें भाई उसे। मैं सब्र करो, थोड़ा सा जूम करता हूँ यार, इधर से व्यू नहीं आ रहा, उधर फ्रंट से लेते हैं आजा। तो उधर से ठीक व्यू नहीं आ रहा था ना इसका, तो मैंने सोचा इधर से लेता हूँ इस बेचारे को, लेकिन यहाँ पर भी ये ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं यार, बंदा सही से ले भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी वाह, किंग खान को देखो ना कैसे बैठा हुआ है, वाह सुपर यार, अमेजिंग। आपकी इसी लुक पे लोग आपसे डरते हैं जनाब। Oh, no! इसी तरह है ना, आपकी इसी लुक पे लोग आपसे डरते हैं, देखिए। हाँ यार बस बेचारा यार, ये भी सैड है, मैं जिस जानवर के पास भी जा रहा हूँ वो बेचारा सैड है। अभी ये देखते हैं ये क्या है, भेड़िया। वाह ये खतरनाक चीज़ है। हाँ इसे देख रहे हो, ये भेड़िया भाई बंदे को खा भी जाता है। वो जनाब पेशावर ज़ू जो है ना, लार्जेस्ट ज़ू है पाकिस्तान का, जैसे कि आप लोग ने देख भी रहे, मैंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट ज़ू इसीलिए बोला जाता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा एरिया में इन लोगों ने ये कवर किया हुआ है, देखें। तो जनाब ये पीछे ये जो है ना, ये सारा इसमें बतख, मोर साथ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और भी सब एक ही जगह पर ऐड किए हुए लोग हैं, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पड़े रहे आपकी यहाँ ज़िंदगी। हाँ अगर आप नमाज के लिए आना चाहें तो यहाँ पर मस्जिद है, एक मस्जिद उस साइड पे भी है, मैं एक टाइम आया था तो मैं वहाँ पर नमाज अदा की थी। तो मस्जिद एक ये भी है और एक वो भी है, सम टाइम किसी को पता नहीं होता ना वो आ जाते हैं। तो एक मस्जिद ये भी है, ठीक है, और एक उस साइड पर भी है। तो अभी हम इस साइड पर जाते हैं इस तरह। मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं नमाज पढ़ के आया, मैंने कहा फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस साइड पे जाते हैं, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा, इस साइड से तो आप बाहर चले जाएंगे और इस साइड पे जाते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, चलो इस साइड, पहले इस साइड को कवर करते हैं कि क्या सीन बनता है, ठीक है, देखें। तो जनाब इसी तरह एक बुक दूसरी भी हमें मिल गई, देखते हैं। ये बुक इसलिए होते हैं कि ये जानवर यहाँ पर है, ठीक है। ओ जनाब हम आ गए हैं हिरन की तरफ, ठीक है। तो हिरन्स को देखते हैं जनाब, ये लीजिए हिरन्स। वाओ जिस टाइम हम आए थे तो एक ही दो ही थे, लगते ये भी इसके बच्चे हैं माशाल्लाह। तो बेचारा ये भी सीढ़ा, लगता है भूख लगी है इसको। ए हेलो मिस्टर। तो हिरन्स भी हो गई हैं, ठीक है, और अभी चलते हैं पार्क, कभी विज़िट करा देते हैं अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो ये सब हिरन्स का एरिया भाई, ये इधर इधर, ठीक है। और अभी वहाँ जाते हैं ज़राफ़ा। वाओ काफ़ी टाइम हो गया, मैंने भी नहीं देखा ज़राफ़ा, क्योंकि मैं जब लाहौर गया था तो वहाँ पर देखा था। एलिफेंट यहाँ नहीं है यार, मुझे एलिफेंट यहाँ मिसिंग है, तो पता नहीं ये लोग कब एलिफेंट लाएंगे, ठीक है। इस बेचारे ने मुझे आवाज़ दी, हमजा व्लॉगर साहब आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी ले आए, भाग गया, देखें बेचारा भाग गया। ओए मैं आपके लिए आया था जनाब। चलो खैर है यार, कोई बात नहीं, आप हमसे नाराज़ हो गए हैं, चलो खैर है, मैं जा रहा हूँ फिर। ये भाई ऐसे ना देखो, अम्मी को ना बुलाओ, मैं जा रहा हूँ, अच्छा टेंशन ना लो, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को ना बुलाओ। अफ्रीकन जानवर है, ठीक है, और पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता क्यों जुड़ बोल, ठीक है। तो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर ऐसे हैं कि बस क्या बताएं, हमने कभी देखे भी नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर लाइंस हो गया, साथ में क्या कहते हैं हिरन हो गई, और हिरन के साथ दो तीन चीज़ें और जो हम बचपन से जानते हैं, किताबों में भी आती हैं, तो इसी वजह से हमें पता होता है उनका कि भाई ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। और इस साइड पर देखते हैं कि ये क्या है, हिरन की ज़्यादातर जो है ना हिरन्स हैं, और हिरन के लोगों ने हर एक नस्ल की जो है ना टाइप रखी हुई है इन लोगों ने इनके पास, मतलब ये हिरन काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। अभी हम वहाँ पर भी विज़िट किया था, हमने वहाँ भी हिरन, यहाँ भी हिरन, भाई वहाँ भी बस हिरन ही हिरन, मतलब हिरन्स हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज़ के इन लोगों ने उठाए हुए हैं, और यहाँ इनको बेचारों को बंद किया हुआ है, क्यों, क्योंकि लोग देखने आएंगे इनको ना।
हाँ जनाब, अभी ये क्या है? हाँ बैल गाय हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, गाय हैं जनाब। यहाँ कभी विजिट हो गया? ठीक है, अभी जाते हैं स्नैक हाउस को, देखते हैं कि उसमें क्या सीन बन रहा है। अब भाई यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, खाने पीने का सामान तो भाई आपको पता है ऐसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, समझ रहे हैं ना बात, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है, ठीक है, इनसे पता करते हैं कि इनके पास क्या क्या है। अस्सलामुअलैकुम, ये गोलगप्पे, चिकन चाट और इस साइड पे फ्राई चिप्स, तो मैं अपने लिए ये ले लूँगा यार, ये बेस्ट है। समझ भैया, ये था पेशावर ज़ू का सारा टूर, फुल टूर करा दिया, हर एक जगह मैंने आपको दिखा दी, बच्चों के झूलों से लेकर हर एक जानवर तक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया, तो उम्मीद रखता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपने बाहर जाना है तो ये बाहर का रास्ता और इधर से आपने बाहर चला जाना है, लेकिन आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, ठीक है, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.